दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। दक्षिण दिल्ली जिले के बदरपुर विधानसभा में दिल्ली पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग के मास्टरमाइंड पूर्व विधायक एनडी शर्मा के बेटे नील दत्त शर्मा के साथ एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल दो मोबाइल फोन और ब्लैकमेल करके ठगे 70,000 रूपए नकद बरामद कर लिए गए हैं। आरोपियों ने पीड़ित को हनी ट्रैप से ब्लैकमेल करके 80 लाख रूपयों की डिमांड की थी। हनी ट्रैप गैंग का सरगना नील दत्त शर्मा हैबिचुअली क्रिमिनल है। इंट्रोगेशन के दौरान इसने कबूल किया कि वो इससे पहले भी हनी ट्रैप जैसी कई वारदातों अंजाम दे चुका है। दक्षिण पूर्व जिला डीसीपी आरपी मीना के अनुसार आम आदमी पार्टी के नेता व बदरपुर से दो बार विधायक रह चुके राम सिंह नेताजी के बेटे तरुण कुमार ने लिखित में बदरपुर थाना में शिकायत दी थी कि उसे इंस्टाग्राम पर एक पीहू नामक युवती ब्लैकमेल कर 80 लाख रूपए की डिमांड कर रही है। बदरपुर थाना पुलिस ने एफआईआर संख्या 0399 अंडर सेक्शन 384/120 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी बदरपुर अजय कुमार की सुपरविजन में बदरपुर थाना एसएचओ विजय पाल दहिया के नेतृत्व में तेजतर्रार एसआई विवेक गौतम और हेड कांस्टेबल सुनील की एक क्रिक टीम बनाई गई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में किसी का नाम नहीं लिया था, इसलिए पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सबसे पहले ब्लैकमेलरों की पहचान करना था। जांच टीम ने देखा कि आरोपी ने पीड़ित को ब्लैकमेल करके 70,000 रूपए 3 अलग अलग बैंक खाते और मोबाइल यूपीआई में मंगवाए थे। बैंक अकाउंट और मोबाइल यूपीआई की जांच से पुलिस ने साजिश की सारी परतें उधेड़ दी। क्राइम में इस्तेमाल बैंक अकाउंट की मदद से पुलिस अकाउंट होल्डरों तक पहुंचने में कामयाब हो गई। जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई, पीड़ित तरुण को ब्लैकमेल करने वाली पीहू कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का था। आरोपी की पहचान सौंध पलवल निवासी पवन कौशिक पुत्र धोले राम के रूप में हुई। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि आरोपी बदरपुर से पूर्व विधायक एनडी शर्मा के साले का बेटा है। इंट्रोगेशन के दौरान आरोपी पवन कौशिक ने बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी के खुलासे से पुलिस भी चौंक गई। आरोपी पवन कौशिक ने खुलासा करते हुए बताया कि हनी ट्रैप गैंग का मास्टरमाइंड बदरपुर से पूर्व विधायक एनडी शर्मा का सगा बेटा नील दत्त शर्मा है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन पुलिस जांच के दौरान बदरपुर से पूर्व विधायक एनडी शर्मा के बेटे नील दत्त शर्मा का नाम आया था, इसलिए जांच टीम बिना पुख्ता सबूत के नील दत्त शर्मा पर हाथ नहीं डालना चाहती थी। जांच टीम ने आरोपियों द्वारा बनाई फेक इंस्टाग्राम पीहू नामक आईडी की टेक्निकल डिटेल की जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस की ऑथराइज ईमेल से इंस्टाग्राम को मेल किया। इंस्टाग्राम से मिली जानकारी और आईपी एड्रेस से यह कंफर्म हो गया कि फेक इंस्टाग्राम आईडी नील दत्त शर्मा ने खुद अपने मोबाइल से ही क्रिएट की थी। पुलिस को मिले सबूतों से यह कंफर्म हो गया कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बदरपुर से पूर्व विधायक एनडी शर्मा का बेटा नील दत्त शर्मा है। पूर्व विधायक एनडी शर्मा ने अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत नौटंकी की, लेकिन पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ ठोस एविडेंस थे। पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग के मास्टरमाइंड नील दत्त शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस इंट्रोगेशन में आरोपी नील दत्त शर्मा ने कबूल किया कि इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड वो ही है। इंस्टाग्राम में पीहू नामक फेक आईडी उसने ही खुद अपने मोबाइल में क्रिएट की थी। आरोपी ने यह भी कबूल किया कि इससे पहले भी वो कई लोगों को हनी ट्रैप से ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ चुका है। हनी ट्रैप से शिकार लोग समाज के डर से पुलिस में शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन आप नेता राम सिंह के लड़के को ब्लैकमेल करना उसे भारी पड़ गया। आरोपी नील दत्त शर्मा ने आगे बताया कि नेता राम सिंह के लड़के को ब्लैकमेल करके 80 लाख रुपए ठगने की योजना थी, लेकिन इससे पहले ही पीड़ित ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने आरोपी के पास वारदात में इस्तेमाल दो मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिए थे। पुलिस ने डाटा रिकवरी के लिए दोनों फोन FSL भेज दिए हैं। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस।
और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।